नमस्कार, आप देखें इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, एमपी में ओबीसी आरक्षण मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार है, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सरकार का पक्ष भी रखा गया है। हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। 20 सितंबर को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी है, हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई उसको हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अब 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक अभी फिलहाल बरकरार है, क्योंकि इस रोक को हटाने से हाईकोर्ट ने अभी इनकार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आगे की तारीख तय कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल की तरफ से हालांकि सरकार का पक्ष रखा गया, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण पर जो रोक लगी है वो अभी भी कोर्ट की तरफ से बरकरार रखी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष भी यहां पर रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने जो रोक लगी हुई है ओबीसी आरक्षण पर उसको हटाने से इनकार कर दिया, और अब 20 सितंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जब 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई रोक को बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने। हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सरकार का पक्ष भी इस मामले को लेकर के रखा गया, लेकिन हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर जो रोक लगी है उसको बरकरार रखा, और अब इस पूरे मामले पे 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, तो अगली तारीख तय कर दी गई है। बड़ी जानकारी है एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर, जब 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई रोक बरकरार है, इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि पक्ष रखा सरकार का, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर लगी हुई रोक को हटाने से इनकार किया है, और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय कर दी है। तो बड़ी जानकारी है, यानी कि इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई, इसमें 27% ओबीसी आरक्षण पर जो रोक लगी है हाईकोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। हालांकि पक्ष सरकार ने जरूर रखा कोर्ट के अंदर, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा इस पक्ष को रखा गया, लेकिन अभी भी ये रोक बरकरार है। जबलपुर हाईकोर्ट से अभी भी इस रोक को बरकरार रखा गया, और तारीख अगली तय कर दी गई है इस पूरे मामले में, 20 सितंबर को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पर की बड़ी जानकारी है, 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक को बरकरार रखा है सॉलिसिटर जनरल ने। सरकार का पक्ष हालांकि जरूर रखा, लेकिन रोक बरकरार है, हाईकोर्ट ने अभी इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया है, और अब 20 सितंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तारीख 20 सितंबर की तय कर दी गई है, और बातचीत करेंगे राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राजेश, हाईकोर्ट ने रोक को अभी भी बरकरार रखा है, 20 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है, फिलहाल क्या जानकारी और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, अहम सुनवाई आज ओबीसी मामले पर हुई है, और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। जो बढ़ा हुआ आरक्षण है 27% जो किया गया है उसके पक्ष में कई तर्क रखे, इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत हैं उनका हवाला दिया गया, ये बताया गया कि क्यों 27% जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया। हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश की मांग सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जा रही थी कि अंतरिम आदेश इस मामले में जारी किया जाए इस पूरे याचिकाओं को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और रोक जो है 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी, और हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि किसी प्रकार के अंतरिम आदेश के पक्ष में वो नहीं है, केवल अंतिम सुनवाई वो पूरे मामले की चाहता। और यही वजह है कि अब जो दोनों पक्ष हैं, याचिकाकर्ता जो 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं और 27% आरक्षण के पक्ष वाली याचिकाएं, उन दोनों याचिकाकर्ताओं को अलग अलग जो है वो हाईकोर्ट सुनेगा। 20 सितंबर जो है वो हाईकोर्ट ने नियत की है तिथि, और लगातार जिस तरीके से पक्ष जो है वो रखा गया जो हाईकोर्ट में
बिल्कुल राजेश, लेकिन एक चीज और बताएं मुझे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो अभी 20 तारीख की जो तारीख है वो तय हुई है 20 सितंबर को, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। पहला तो ये बताएं कि आज सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो पक्ष रखा गया, उस पक्ष के अंदर किन बातों का जिक्र हुआ, अगर उसकी जानकारी आपके पास हो। और दूसरा ये कि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी पैरवी करने की बात है, कमलनाथ दिल्ली में वकीलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ये जो सारा घटनाक्रम अभी चल रहा है इसमें 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर के वकीलों के साथ जो चर्चा कमलनाथ की हो रही है उसको भी इसके साथ जोड़ते हुए कैसे देख रहे हैं? एक तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से पक्ष क्या रखा गया और कांग्रेस का जो पक्ष है जिसमें वकीलों के साथ मुलाकात हो रही है। राजेश, बिल्कुल, देखिए 27% आरक्षण चूंकि सरकार ने किया था और 2019 में ये किया गया था, 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, और तब से लगातार जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सरकार जरूर ये कहती रही कि मजबूत पक्ष जो है वो उनकी तरफ से रखा जाएगा, और मजबूत पक्ष रखने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, और ये जो तमाम न्याय दृष्टांत हैं सुप्रीम कोर्ट के कि क्यों बढ़ा हुआ आरक्षण जरूरी है, इस बात को लेकर उनकी तरफ से तर्क दिए गए। साथ ही अंतरिम आदेश की मांग इस बात को लेकर की गई कि 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति उन्हें दी जाए, साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया, जिस तरीके से जो चुनौती देने वाली याचिकाएं थी और उनके जो वकीलों की दलीलें थी कि क्यों 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं दिया जा सकता, किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है इंदिरा साहनी का वो भी ये साफ करता है। साथ ही हाल ही में आए मराठा आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 5 मई का, वो भी ये साफ करता है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी तक सरकार जिस तरीके से लगी रही कि 55% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है, और इसीलिए राजेश मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूँ।